चलिए भाई, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी मैकेनिक्स का वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर, और एक ऐसा चैप्टर जिसका आगे जाकर के बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो सारे कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, तो वो सारी चीजें वहां पर हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो टूल है डायरेक्ट सवाल तो रिलेटिवली उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते इस चैप्टर से, लेकिन इस चैप्टर में जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लाइक वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये जितनी भी मैंने बातें पूछी, ये आगे के जो चैप्टर्स हैं आपके मैकेनिक्स, नॉट इवन मैकेनिक्स, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे वहां पे भी बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे तीन डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जिक्र करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट वन इज वर्क, सेकेंड वन इज पावर, एंड द नेक्स्ट वन इज वॉट, एनर्जी। तो वन बाय वन करके सभी चीजों का जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहले चर्चा होगी हमारी वर्क की। ठीक है, कि वर्क क्या है। ठीक है, वर्क को किस तरीके से फिजिक्स में डिफाइन किया गया है, पहले इसको समझना जरूरी है। बचपन में एक डेफिनेशन तो तुम लोगों ने पढ़ी होगी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं, कोई हमसे ये पूछता है कि भैया वर्क बता दो, क्या बता दो, वर्क। ठीक है, फिजिक्स में। ठीक, वैसे तो वर्क तुमने बहुत बार किया है, रोज होमवर्क करके भी आ रहे हो, है ना? ठीक है ना? लेकिन फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन किया जा रहा है वो समझना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक बॉडी है, ठीक, उस बॉडी पे सपोज एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, दैट इज एफ। ठीक, और आई एम कंसिडरिंग वेरी स्मॉल इंटरवल। ठीक है, और उस इंटरवल में इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ सपोज कितना, डीएस वेक्टर। हो सकता है इस बॉडी पे और भी फोर्सेस लग रहे हो। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ड्रॉ द एफबीडी, मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है कि मैं इस बॉडी के ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है ना, इसका वर्क कैलकुलेट कर पाऊं। तो ये तो तुम्हें देख के समझ में आ गया कि वर्क जब भी चर्चा की जाएगी तो वर्क किसी फोर्स का होगा, वर्क किसी फोर्स का होगा। तो मान लीजिए यहां पर ये फोर्स वेक्टर और ये, ठीक, ये एंगल थीटा, तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस वेक्टर, मैं इस फोर्स का वर्क इस तरीके से फिजिक्स में डिफाइन करूंगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, वेयर एफ इज व्हाट, ये है फोर्स, और डीएस वेक्टर क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बी केयरफुल, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलने से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, मुझे यहां पर ये भी स्पेसिफाई करना होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट का है। तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि वक्त के साथ तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। क्या, कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं बोलना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का है जिस पॉइंट पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। मे बी ऐसी भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इट मे नॉट बी द सेम। ठीक है, तो बी केयरफुल। अब एफ डॉट डी एस, अब लोग कहेंगे कि आपने ऐसे ही क्यों डिफाइन किया एफ डॉट डी एस, तो इसको हम बहुत आसानी से स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है एफ डी एस कॉस थीटा। अरे यस और नो, अभी इसी चीज को देखूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, एफ कॉस थीटा इनटू डी एस, हाँ या ना भाई? ठीक है, अगर मैंने लिखा एफ कॉस थीटा इनटू डी एस, तो जरा ऑब्जर्व करिएगा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। वन ऑफ द कंपोनेंट जो कि इसके अलोंग होगा, दैट इज वॉट एफ कॉस थीटा, किसके अलोंग होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट। अरे यस और नो, और वन ऑफ द कंपोनेंट जो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अभी आप सर्कुलर मोशन पढ़ के आए,
मुझे जल्दी से बताइएगा, अलोंग वाला कंपोनेंट किसको चेंज करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? वेलोसिटी, यस और नो? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब सिस्टम की एनर्जी को, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी को कौन सा कंपोनेंट चेंज कर रहा है, कॉस थीटा या साइन थीटा? कॉस थीटा चेंज कर रहा है, साइन थीटा को सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। डायरेक्शन को चेंज करने में क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? नहीं होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम को अगर एनर्जी मिल रही है, सिस्टम को अगर एनर्जी मिल रही है तो फोर्स का वो कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात करी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इफ आई से दैट कि इस गिवन पार्टिकल के ऊपर फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट ये वर्क हुआ, तो इसका मतलब है कि इस फोर्स ने इतनी एनर्जी प्रोवाइड करी है, इतनी एनर्जी क्या करी है? प्रोवाइड करी है। ठीक है, मतलब वर्क हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज जस्ट अ मैक्रोस्कोपिक वे, मोटे तौर पे ये एक मैक्रोस्कोपिक वे है किसी भी सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर करने का। एनर्जी ट्रांसफर करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। एक तरीका होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल, जो आगे जाकर के आप थर्मल फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, बॉडी को हीटअप करना शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया? हीटअप करना शुरू कर दिया, तो उस केस में भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी। ठीक है, लेकिन यहां पर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा करके, क्या लगा करके? फोर्स लगा करके उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करके एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। यस और नो? अब यहां पर देख करके तुम्हें यह बात समझ आ रही होगी कि आइदर ये फोर्स पॉजिटिव भी आ सकता है और फोर्स नेगेटिव, सॉरी फोर्स नहीं, वर्क डन। क्या वर्क डन? वो डिपेंड करेगा कि कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है। मान लीजिए ये जो फोर्स होता ये डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता, क्या बनाता? ऑब्ट्यूज एंगल बनाता। तो इस गिवन फोर्स का वर्क पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता? नेगेटिव आता। नहीं आई मेरी बात समझ? वर्क नेगेटिव आने का मतलब क्या है? वर्क नेगेटिव आने का मतलब है कि इसने सिस्टम को एनर्जी दी नहीं है, सिस्टम से एनर्जी ली है। तो यहां पर जब भी हम ये बोलते हैं कि यार किसी गिवन फोर्स का जो वर्क है वो 10 जूल है, क्या है? 10 जूल। तो इसका मतलब अगर आप समझे इसका फिजिकल सेंस, तो फिजिकल सेंस ये है कि उस गिवन फोर्स ने उस बॉडी को 10 जूल एनर्जी सप्लाई करी, और वो एनर्जी सप्लाई हो रही है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं बोलता हूं कि किसी गिवन फोर्स का वर्क -10 जूल है, कितना है? -10 जूल है, तो इसका मतलब उसने सिस्टम को एनर्जी दी नहीं है, सिस्टम से एनर्जी ली है, एक्सट्रैक्ट की है। तो किसी भी सिस्टम को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर एनर्जी प्रोवाइड करने का ये एक तरीका है, टू अप्लाई द फोर्स, टू अप्लाई द फोर्स। और अगर आपने जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया उस पॉइंट का अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस पॉइंट का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां पे वो गिवन फोर्स उस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अरे यस और नो? तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैं यहां पे फोर्स सॉरी वर्क डन इस तरीके से लिख सकता हूं। तो जब भी हम वर्क डन की बात कर रहे होंगे तो हमें ये स्पेसिफाई करना होगा कि आप किस फोर्स का वर्क पूछ रहे हैं, क्योंकि वर्क किसी फोर्स का ही होगा। मतलब सिंपली मैं बोल दूं फाइंड द वर्क डन, तो इक्वेशन अपने आप में इनसफिशिएंट है। मान लीजिए एक बॉडी पे एन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? एन नंबर ऑफ फोर्सेस। इफ आई से दैट फाइंड द वर्क डन, तो सबसे पहला सवाल ये कि किस फोर्स का वर्क पूछ रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर फोर्स के वर्क का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ठीक है, और अगर मान लो कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है फाइंड द वर्क डन, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब हम यही समझते हैं कि उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन इंडिविजुअल हर फोर्स का क्या निकाल लो? वर्क डन निकाल लो और ऐड कर दो। अरे यस और नो? तो यहां से देख करके तुम्हें बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ चुकी होगी कि हमने यहां पर डॉट ही क्यों लिखा है, हमने यहां पर और कोई टर्म यूज क्यों नहीं किया है। ठीक है, तो यहां पर f cos theta into ds मतलब f cos theta फोर्स का वो कंपोनेंट हो गया जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, इनटू क्या लिख दिया? ds। कोई दिक्कत? ठीक है, दैट इज फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर इंटरवल बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट लार्ज है, तो उस केस में हम वर्क डन अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो वर्क डन को लिखेंगे कैसे? इंटीग्रल ऑफ f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। This is the definition of a work. किसी भी given force का work ऐसे लिखेंगे। Work किसी instant पे define नहीं हो सकता। जब भी हम work define करेंगे तो किसी एक interval में define होगा।
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसी इंस्टेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट किसी एक इंटरवल में ही होगा। तो जब भी हम वर्क कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें वो इंटरवल पता होना चाहिए कि आप किस इंटरवल में कैलकुलेट कर रहे हैं। तभी आपसे सवाल ऐसे थोड़ी पूछा जाएगा, फाइंड वर्क डन एट टी बराबर 2 सेकेंड। देयर इज नो मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वर्क, है ना, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किसी इंस्टेंट पे थोड़ा ना होता है। डिस्प्लेसमेंट तो क्या, एक इंटरवल की प्रॉपर्टी है। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ वर्क डन, तो हमेशा हमें ये स्पेसिफाई करना होगा कि आप किस इंटरवल में पूछ रहे हैं या किस ड्यूरेशन में पूछ रहे हैं, मतलब व्हाट इज योर इनिशियल पॉइंट एंड व्हाट इज योर फाइनल पॉइंट, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन व्हाट डीएस वेक्टर। क्या ये बात क्लियर है भाई? ठीक है, इसको नोट करें। और यहां से देख करके बहुत सारी चीजें जो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ आ गई होंगी। इफ आई विल आस्क यू कि यार वर्क इज अ वेक्टर और स्केलर, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहली बात। दूसरा, एसआई यूनिट जो कि आप जानते होंगे जूल, और सीजीएस यूनिट की बात करूं अर्ग है, जूल और अर्ग में रिलेशन पता होगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग। ठीक, किसी भी फोर्स का वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, यस और नो? आपको जब भी ये चेक करना हो कि यार इस गिवन फोर्स का वर्क का साइन क्या है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द फोर्स वेक्टर। आप खुद ऑब्जर्व करिए, ऐसा लिखा हुआ ना भाई, ये स्केलर प्रोडक्ट है। क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कौन डिसाइड करता है? एंगल। कौन डिसाइड करता है? एंगल। अगर एंगल एक्यूट है, अगर एंगल क्या है? एक्यूट, तो उस गिवन फोर्स का वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव, और अगर 90 है तो जीरो। 90 बहुत स्पेशल केस है, ऐसे कई सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। मतलब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द साइन ऑफ अ वर्क डन, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, दैट इज व्हाट, एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये नोट करिएगा फटाफट। देखना, अभी मैंने यहां पर ये बोला ना कि दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इट इज वन ऑफ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि वर्क तभी होगा जिस मोमेंट पर फोर्स लगा है उसी मोमेंट पर उस पॉइंट का क्या हो, डिस्प्लेसमेंट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब फोर्स लग रहा है तब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब फोर्स नहीं लग रहा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर आपके सामने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि देयर इज अ मैन, एक इंसान जो कि ग्राउंड सरफेस पे दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है आगे की तरफ, एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ। ठीक है भाई, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये दौड़ रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज अ सम एक्सटर्नल फोर्स, यस और नो, जो कि इसकी हेल्प कर रहा है एक्सेलरेट करने में। कौन है वो एक्सटर्नल फोर्स? हाँ, फ्रिक्शन है या नहीं है? इफ आई विल आस्क यू कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, What about the work done by friction? मतलब मेरा, मैं आपसे मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट अ साइन कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या वॉट एवर, क्या होगा? क्या होगा? हाउ मेनी ऑफ यू जो कहते हैं कि भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा? ग्रेट। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा? और इसके अलावा कोई और किसी का इंटरेस्टिंग आंसर? हाँ, क्या बेटा? वेलोसिटी आ गई है, दौड़ रहा है आगे की तरफ, एक्सेलेरेशन आ गया है, दौड़ रहा है आगे की तरफ। ठीक है, जरा देखिएगा ध्यान से, आंसर विल बी द जीरो, आंसर विल बी द जीरो। ठीक है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक,
सबसे पहली बात, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, पहली बात तो ये समझ लो, क्योंकि अगर आप इसका एफबीटी बनाओगे तो नॉर्मल ऊपर एमजी नीचे, अरे हाँ है ना, तो नॉर्मल और एमजी का कंट्रीब्यूशन एक्सेलरेशन में क्या है, जीरो, तो देयर इज अ सम फोर्स जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए जो कि ए होगा, सॉरी फ्रिक्शन होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन यहां पर इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे, और आपको पता है कि जब इंसान दौड़ रहा होगा तो पहले ये समझ लो कि उस समय स्टैटिक लगेगा, क्या लगेगा, स्टैटिक, क्योंकि इंसान का जैसे फुट है, ये फुट जैसे कॉन्टेक्ट में आया, तो जब ये कॉन्टेक्ट में आया उस मोमेंट पर देर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, देर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, ये रेस्ट पर है, किस पर है, रेस्ट पर, ये मूव कब करेगा, जब ये पॉइंट कहां आएगा, हवा में आएगा, फिर अगला पॉइंट कॉन्टेक्ट में आएगा, फिर उसके बाद फिर अगला पॉइंट कॉन्टेक्ट में आएगा, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जब ये फुट कॉन्टेक्ट में आएगा ना, उस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगेगा, उस पॉइंट पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जब डिस्प्लेसमेंट है, जब डीएस है तब एफ नहीं है, जब एफ है तब डीएस नहीं है, ऑब्जर्व करो, ये पैर जमीन के कॉन्टेक्ट में है, फ्रिक्शन लगा या नहीं लगा, लेकिन डिस्प्लेस हुआ क्या, डिस्प्लेस कब होगा, जब ये पॉइंट कहां आएगा, हवा में, जैसे पॉइंट हवा में आया फ्रिक्शन गया, अरे जब एफ लगता है तब डीएस नहीं होता, और जब डीएस होता है तब एफ नहीं लगता, तो एक्चुअली मैं अगर तुमसे मैं पूछूं क्या यहां पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हाँ हुआ तो है भाई, जब इंसान आगे की तरफ जा रहा है क्या इसकी बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, ठीक है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं होता, लोग यहाँ पे आंसर इस तरीके से देते हैं, देखिए सर फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी आगे लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, आप उस मोमेंट को ऑब्जर्व करिए जब फ्रिक्शन लग रहा है और जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या ये दोनों मोमेंट जो है वो एक साथ हुए हैं क्या, नहीं हुए, अरे यस और नो, तो मैं यहां पर बोलूंगा कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा दैट विल बी व्हाट, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसका मतलब यह हुआ कि सरफेस कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो सरफेस है वो इंसान को दौड़ने के लिए कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, और ना ही इंसान उस सरफेस को कोई भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। मान लो फ्रिक्शन का वर्क अगर पॉजिटिव आ जाता, क्या आ जाता, पॉजिटिव, तो मैं वहां पर यह बोलता कि जो सरफेस है वो इंसान को क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा, मतलब इस पर्सन को दौड़ने में मदद कर रहा है, लेकिन मैं यहां पर कह सकता हूं कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन व्हाट, बिटवीन द मैन एंड सरफेस, यस और नो, क्या ये बात समझ आई कि यहां पे मैंने जीरो क्यों लिखा है, ठीक है, लेकिन एक बार बताओ जब इंसान दौड़ता रहेगा तो थोड़ी देर बाद इसका जो एनर्जी का लेवल है वो कम होगा या नहीं होगा, अब इंसान थकना शुरू हो जाएगा ना यार, शुरुआत में काफी एनर्जेटिक होगा, 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद क्या करेगा, थकने लग जाएगा, है ना, तो उसकी एनर्जी कम हो रही है, उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो है जो उसकी एनर्जी को क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तुमने बोला फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा, नॉर्मल एमजी का वर्क हो नहीं रहा, देन व्हाट, हाँ नेग्लेक्ट कर लो एयर रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर लो, हटाओ, आगे बताओ, एक्चुअली में जब वो इंसान मूव कर रहा है तो उस बॉडी के अंदर लगातार मसल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, मूव करेगा तो बॉडी के पार्ट्स मूव करेंगे, तो बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स मोड में आ रहे हैं, तो जब वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे ना, तो बॉडी के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे अमंग द मसल्स वो वर्क करेंगे, वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और उनके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है That is converted into the different forms of our energy. ठीक है, उसमें से कुछ fraction heat में जा रहा होगा, कुछ तुम्हारे पसीने में निकल रहा होगा, कुछ other form में निकल रहा होगा, लेकिन यहां पर अगर कोई पूछे कि energy कम क्यों हुई है, energy कम क्यों हुई है, तो मैं ये कहूंगा energy इसलिए कम हुई है क्योंकि ये men के अंदर body के internal forces हैं भाई, क्या है, internal forces हैं, और उन इंटरनल फोर्सेस का वर्क है नेगेटिव, इफ आई से दैट वर्क नेगेटिव, तो इसका मतलब सिस्टम से एनर्जी ली है या दी है, ली है, तो सिस्टम से एनर्जी ली है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई है,
कम हो गई है, ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा थका हुआ क्या होगा, फील होगा। नहीं समझे मेरी बात? और सिंपल सी बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्सलेट नहीं करता, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये एक्सलरेट नहीं करता, लेकिन फिर भी इस बात को समझो कि फ्रिक्शन कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तुमने ये बोला ना कि इंटरनल फोर्सेस ने वर्क किया, एक मिनट सॉरी ये नेगेटिव क्यों लिख दिया, हाँ सॉरी ये नेगेटिव नहीं होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। तो इंटरनल फोर्सेस जो वर्क कर रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस जो वर्क कर रहे हैं वो दो फॉर्म में जा रहा है, किसमें जा रहा है, दो फॉर्म में जा रहा है, उसमें से कुछ काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में जा रहा है, किसमें जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में जा रहा है, और कुछ वर्क किसमें जा रहा है, लॉसेस में जा रहा है, किसमें जा रहा है, लॉसेस में जा रहा है, इसलिए ओवरऑल उस सिस्टम की एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है, ठीक है। इसलिए इंटरनल फोर्सेस के टोटल अगर मैं वर्क की बात करूं तो वो वहां पे मैं लिखूंगा कि नेगेटिव हो जाएगा। लोग कहेंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है लेकिन सिस्टम के पास जो अपनी खुद की एनर्जी थी, सेल्फ एनर्जी जो थी, वो क्या हो गई है, कम हो गई। क्या मेरी बात समझ आई अभी? ठीक है, अब देखना यहां पर सिर्फ बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को नहीं देखना, ऐसे बहुत सारी आपके सामने सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि अभी मैं इस बोर्ड को पकड़ के पुशअप्स मारने स्टार्ट कर दूं, तो मैंने इस पर नॉर्मल लगाया, अरे लगाया कि नहीं, लेकिन इसने वर्क किया क्या, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इस पॉइंट का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे लगातार पुशअप्स मारता रहूं, क्या कुछ देर बाद मेरी एनर्जी कम हो जाएगी? तो मेरी एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब है मैं क्या इसको एनर्जी दे रहा हूं? फिर मेरी एनर्जी कम क्यों हो रही है, क्योंकि जब मैं पुशअप्स मार रहा हूं तो मेरे बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उनमें लगातार क्या रहा है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, उसकी वजह से इंटरनल फोर्सेज वर्क कर रहे हैं, इंटरनल फोर्सेज वर्क कर रहे हैं तो मेरे सिस्टम की एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्लियर है बात? ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एक इंसान जो स्टेयर्स पर क्लाइम करके ऊपर आ रहा है, ठीक है, इफ आई विल आस्क यू कि यहां पे बताओ, वर्क डन बाय सरफेस ऑन द मैन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वही सेम रीजन है, क्योंकि जब वो क्लाइम करेगा तो अपना पैर जमीन पर रखेगा, मतलब स्टेयर्स पर रखेगा, जब स्टेयर्स पर रखेगा तो वो पॉइंट डिस्प्लेस होगा क्या? नहीं। डिस्प्लेस कब होगा? हवा में आएगा, यस और नो? तो जब हवा में आएगा तब डिस्प्लेस होगा। तो वही सेम कहानी है, जब फोर्स लग रहा है सरफेस से तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इस केस में भी सरफेस के द्वारा जो वर्क है वो क्या होगा, जीरो। लेकिन वो इंसान चढ़ करके ऊपर आया, थक गया, लोगों ने कहा थक तो गया यार, इसका मतलब उसने सरफेस को एनर्जी दी है। मैंने कहा नहीं, सरफेस के साथ कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ उसके इंटरनल फोर्सेस का वर्क है। हाँ, अगर ये एक्सेलरेटर होता है ना, क्या होता, एक्सेलरेटर होता, तो एक्सेलरेटर के केस में मान लो ये ऊपर की तरफ चल रहा होता, दिस इज अ मैन, तो एक्सेलरेटर के केस में सरफेस वर्क करती, क्यों करती तुम सोच लो, एक्सेलरेटर तो पता है ना भाई, ये लगा हुआ है बाहर, तुम्हारे लिए नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। तो जब आप एक्सेलरेटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो जब आपका पैर उस सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो उस मोमेंट पे वो सरफेस भी चल रही होती है, उस मोमेंट पे वो सरफेस भी चल रही होती है। तो यहां पर कुछ ऐसे भी मोमेंट होते हैं, क्योंकि जैसे ही जमीन पे पैर आया, जमीन खिसक रही है, जमीन क्या हो रही है, खिसक रही है, तो जब एफ लग रहा है उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसलिए वहां पे सरफेस तुम्हारे ऊपर वर्क कर रही है, और ऑब्वियस सी बात है करना ही पड़ेगा। एक बात बताओ, एक्सेलेटर क्या ऐसे ही चल रहा है, उसमें एनर्जी खर्च हो रही होगी, खर्च इसलिए तो बंद कर रखा है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें उठा करके ग्राउंड फ्लोर से अगर फिफ्थ फ्लोर तक ले जाना है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारे एक तो वेट को लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, आपको आगे भी डिस्प्लेस कर रहा है और ऊपर भी डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे मोमेंट हैं जहां पे फोर्स भी लग रहा है और क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। हाँ भाई,
कैसे यूज होगा मतलब? किस केस में? ये वाला केस बोल रहा है, ये ऐसे सीढ़ियां नहीं चल रही है। अब एक इसका इसकी बात करो, इस पे सरफेस फोर्स लगा रही है नहीं लगा रही है? लगा रही होगी ना, तो सरफेस फोर्स लगा रही है, और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है नहीं हो रही है? तो फिर क्या? हाँ वो भी हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों हो रहा है, मैन की वजह से भी तो हो रहा है स्टेयर्स पे। क्यों स्टेयर रुकी हुई है? ये पॉइंट पे अगर फोर्स लगा रहा है, मान ले तू यहाँ पे जाके खड़े हो जाए, तू स्टेयर्स के इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये पॉइंट थोड़ी देर में इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो कभी एक्सलरेटर, मान लो किसी पे जाके खड़े हो जाओ, तो वो पॉइंट यहां से यहां आएगा कि नहीं आएगा? तो बताना है इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? और जब वो डिस्प्लेस हो रहा था तब तक आदमी उसी पे खड़ा हुआ था, तुम जैसा आलसी आदमी हुआ तो वो खड़ा हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं, खड़ा है। लेकिन बताओ फोर्स उसने लगाया, और फोर्स लगाया और ये पॉइंट क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क होगा कि नहीं होगा? होगा, बस सिंपल सी बात है। नहीं समझे भाई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो वी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन का जनरल एक्सप्रेशन यही होता है। इसी तरीके से वर्क डन को डिफाइन करते हैं, मुद्दे की बात यही है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिजिक्स में वर्क को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तुम अपनी डे टू डे लाइफ में जिस वर्क को डिफाइन करते हो, फिजिकल वर्क को, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। हमारे लिए यहाँ पे वर्क डन तभी है किसी भी फोर्स का जब वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके के फिजिकल वर्क की बात नहीं कर रहा हूं। अभी तुम्हें मैं खड़ा कर दूं और तुम्हारे सर के ऊपर एक बॉक्स रख दूं, क्या रख दूं? बॉक्स 10 kg का। और मैंने कहा कहीं मूव मत करना, इधर ही खड़े रहना, ये पनिशमेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि आज होमवर्क नहीं करके आए हो ना तुम, इसीलिए। अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 घंटे बाद पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन, तो कहेंगे जीरो। क्यों? देखो सर, नॉर्मल ऊपर लग रहा था, mg नीचे लग रहा था, लेकिन ये पॉइंट डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। लेकिन अगर 10 kg का ब्लॉक 1 घंटे तक सर पर रखा रहा, तुम्हारी एनर्जी का लेवल एकदम से बूस्ट अप हो जाएगा, है ना? जो एनर्जी बहुत हाई थी शुरुआत में, वो 1 घंटे बाद एनर्जी क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। अरे होगी या नहीं होगी? तो वर्क तो किया है तुमने, तभी तो तुम्हारी एनर्जी क्या हुई है? कम हुई है। दैट वाज अ फिजिकल वर्क, दैट वाज अ फिजिकल वर्क। लेकिन फिजिक्स में यहाँ पे वर्क अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे वर्क का मतलब है कि टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई फोर्स सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड को चेंज करने में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि उस फोर्स का वर्क हो रहा है मेरे लिए, ठीक है, अदरवाइज मैं कंसिडर नहीं करूंगा। क्या मेरी बात समझ आई भाई? ठीक है, यहाँ पे फिजिकल वर्क हुआ भाई, लेकिन उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है। तो मेरे लिए अगर पूछा जाए कि वर्क डन बताओ, तो मेरे लिए तो वर्क डन क्या है? जीरो है। अगर आप एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं, तो फिर इसकी एनर्जी कम क्यों होगी? तो मैं कहूंगा कि इस बॉडी के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस रहे होंगे, उनने वर्क वर्क किया होगा, लेकिन वो वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। वो वर्क किसमें कन्वर्ट हुआ है? इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि आपको पसीना आ रहा है, हीट अप हो रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है ना, बहुत कुछ हो रहा होगा, XYZ, ठीक है। तो आपके बॉडी की जो एनर्जी है वो अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है? अदर फॉर्म में। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए वर्क है ही नहीं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो अब देखना था भाई ध्यान से। अब हम यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के फोर्सेस के वर्क की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्क डन। बाय कॉन्स्टेंट फोर्स, कौन से फोर्सेस का वर्क? कॉन्स्टेंट फोर्स। कॉन्स्टेंट बोल दिया तो इसका मतलब तुम समझ गए
कि तुमने उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट कर दिए. वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स मतलब तुमने उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए. तो अब आप खुद सोचिए, आपने वर्क को ऐसे डिफाइन किया था, लेकिन आप कह रहे हो कांस्टेंट है. क्या कह रहे हो? कांस्टेंट है. तो ये बाहर आ गया और आप ऐसे लिखोगे, और सारे डीएस डीएस वेक्टर को अगर जोड़ दोगे, सारे स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को, तो ये डिस्प्लेसमेंट बन के तैयार हो जाएगा. तो ये टर्म आपके सामने आ गया, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या इसी को हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा. ये है भाई मुद्दे की बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आप लिखना चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यार कांस्टेंट फोर्स का वर्क तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स का वर्क तो आप ऐसे लिख रहे हैं एफ डॉट एस, वेयर एस वेक्टर इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मैं ए पॉइंट से एक पार्टिकल को बी पॉइंट तक लेकर के गया, आई डोंट नो अबाउट द पाथ. ए से बी ले जाने के दुनिया में कितने पाथ हो सकते हैं? इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं. और मैंने मान लो ए से बी में इस पे बहुत सारे फोर्सेस लगाए, उसमें से एक फोर्स मैंने इस तरीके से दिखाया 10 न्यूटन, और मैंने कहा कि इस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और ए से बी के बीच की दूरी जो है वो है 2 मीटर. तो मुझे इस कांस्टेंट फोर्स, ये फोर्स हमेशा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोल दिया मतलब नॉट इवन उसका मैग्नीट्यूड और नॉट इवन उसका डायरेक्शन, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. जब ये बॉडी ए से बी मूव कर रही है तो ये फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में लग रहा है. अब ए से बी पता नहीं किस पाथ से मूव करी, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालने के लिए मुझे पाथ जानने की जरूरत है ही नहीं. मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि यार ये 10 लग रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी में कितना, 2 मीटर, तो 10 cos 30 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट विल गिव यू द व्हाट, वर्क डन. मतलब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, पाथ डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट. मुझे इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है, और मुझे इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना है, तो क्या मुझे ए से बी का पाथ जानने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक आप किस तरीके से मूव किए हैं. क्या बात क्लियर है भाई? तो नोट करिएगा इसको. नोट कर लिया भाई? यस सर. बढ़ू आगे? यस सर. तो अब मैंने कहा कि यार कांस्टेंट फोर्स का वर्क मैंने ऐसे लिखा है एफ एस कॉस थीटा, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस पैरेलल, ठीक है. अगर कॉस थीटा को इसके साथ कोलैबोरेट करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं एफ पैरेलल इनटू एस. अगर मैं बोलूं कि ये क्या लिखा हुआ है एस पैरेलल, तो मैं कहूंगा दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और अगर ऐसे लिख रहा हूं तो मैं कहूंगा दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वर्क
कैलकुलेट करने के लिए आप एक्सप्रेशन को आइदर ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथमेटिकली तो दोनों बात क्या है, सही है। मैथ्स को क्या फर्क पड़ता है कि कॉस थीटा को आपने डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है या कॉस थीटा को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये चीज सेंसलेस है, ये जो लिखा है ना, ये आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आंसर आपका आ जाएगा वो बात सही है, लेकिन आप लिख रहे हैं F into S parallel, displacement का वो component जो force के along है। तो ये बात physics के point of view से हम इसलिए explain नहीं कर सकते कि आप क्या बताएंगे कि displacement का वो component जो force के along है तो क्या क्या कर रहा है वो, है ना। physics explain नहीं कर पाएगी, maths बता देगी। physics के point of view से तो हम यही बोल सकते हैं कि force का वो component जो displacement के along है that will change the kinetic energy, और वो component जो perpendicular है वो change नहीं कर रहा। तो आप चाहे ऐसे कैलकुलेट करें या ऐसे कैलकुलेट करें, आंसर तो दोनों केस में ही आ जाएगा। तो यहां से जो तुम S पैरेलल देख पा रहे हो, ये क्या है, क्या है ये S पैरेलल, क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अरे है या नहीं है भाई, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। ये क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस दौरान मैं एक बॉडी को मूव कर रहा हूं, उस पर एक कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है एफ नॉट, और ए से बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, डी। मैं इस बॉडी को अलग अलग पाथ से लेके गया, मैं ले गया एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार बिल्कुल सीधा। देखना भाई, तीन अलग अलग पाथ हैं। पहले वाले पाथ में वर्क डन हुआ W1 इस कांस्टेंट फोर्स का, दूसरे वाले में W2 हुआ, तीसरे वाले में कितना हुआ भाई, W3। दिस इज अ वर्क डन बाय दैट कांस्टेंट फोर्स। कैन आई से दैट कि तीनों पाथ में वर्क सेम होगा? Yes, sir. पक्का भाई? Yes, sir. तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि W1, W2 और W3 की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम ही है किसी भी पाथ से आप जाएं। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी। केस नंबर वन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तो इवन तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या था, सेम था। अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन और दिखा रहा हूं। एक फोर्स कांस्टेंट जो कि हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा, देर आर द टू वर्टिकल लाइंस, और इन वर्टिकल लाइंस के बीच का ये डिस्टेंस है डी। ये डिस्टेंस क्या है, डी। ठीक, मैंने यहां पर एक पाथ सेलेक्ट किया और वो पाथ ये लिया, ये था पॉइंट ए और ये था पॉइंट बी। मैं इस पाथ से यहां से वहां तक गया। अगला पाथ जो मैंने सेलेक्ट किया, वो सेलेक्ट किया कि मैं यहां पे था, ठीक है, और मैं यहां से घूमते हुए यहां पहुंच गया, दैट इज ए डैश, दैट इज व्हाट, बी डैश। क्लियर है बात? ठीक है, एक और तीसरा पाथ लिया, तीसरे वाले पाथ में मैं सीधे सीधे यहां से सीधे यहां पहुंच गया। अगर आप ऑब्जर्व करें तो तीनों पाथ में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तीनों पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है या अलग अलग है, देख लो। कितने लोगों को सेम लग रहा है, सेम थोड़ी है। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ये है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट ये है, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट ही है। तो ये लेंथ जो है वो तीनों केस में सेम है, अलग अलग है, अलग अलग। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जो कांस्टेंट फोर्स का वर्क है वो अभी भी सेम आएगा, कांस्टेंट फोर्स का वर्क अभी भी क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम वर्क लिखते हो तो एफ वेक्टर डॉट एस लिखते हो ना, तो वहां एस कॉस थीटा क्या होता है, S cos theta क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स अभी किसके अलोंग है,
एक्स एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, क्या हर केस में डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलोंग है क्या उसकी वैल्यू डी ही आ रही है क्या? मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं अलग अलग पाथ जो भी है W1, W2, W3, ये तीन अलग अलग पाथ का वर्क जो है क्या वो हर केस में एफ नॉट डी आया नहीं आया? देख लो इस बार इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, अलग अलग है, अलग अलग, अरे है या नहीं? डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, अलग अलग है, बताओ यार, अलग अलग है, लेकिन फिर भी वर्क क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एक्चुअली में वर्क डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता कॉन्स्टेंट फोर्स का, वो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट पे डिपेंड करता है जो कि फोर्स के अलोंग है, और फोर्स के अलोंग वाला कंपोनेंट तीनों केस में अगर सेम है तो वर्क डन भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो आज के बाद अगर हमें किसी कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में दो ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो कि फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, किसके परपेंडिकुलर हो, फोर्स वेक्टर के, और उन दो लाइन के बीच का गैप निकाल लीजिए। अगर आपको गैप पता चल गया तो फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो मैं यहां पर क्या ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि इवन मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट, जैसे इस केस में डिफरेंस क्या है, समझ में आया? बताना क्या है डिफरेंस? इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम थी, इसमें तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम था, इस वाले केस में तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है भाई, लेकिन फिर भी वर्क सेम है क्योंकि फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट तीनों केस में क्या है, सेम। तो मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद अगर किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है और आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन दी हुई है, क्या दी हुई है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो आप चुपचाप से डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट निकालिए जो फोर्स के अलोंग है, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। नोट डाउन दिस। बढ़ो, आगे बढ़ो, नोट कर रहे हो? तो मान लो एक बॉडी है, उसे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके गए, ठीक, और कोई जो फोर्स है ना वो फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एफ नॉट। तो आज के बाद मैं ये कहूंगा कि जो भी कांस्टेंट फोर्स है ना उसके परपेंडिकुलर दो लाइन ड्रॉ करो, जैसे फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो पॉइंट ए से पास हो और फोर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा ऐसे हो गया, अरे यस और नो। दूसरी यहां पर भी ड्रॉ कर लो, मैंने कहा ये रहा, और इन दो लाइन के बीच का गैप निकाल लो, मान ले गैप एच आ गया, क्या आ गया, एच। तो कहानी खत्म, इस F नॉट का जो वर्क है वो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, F नॉट इनटू H। A से B किस पाथ से गया ये जानने की जरूरत है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ आपको पता है, इवन मुझे ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल क्या था,
अगर मुझे गैप पता चल जाए तो, क्या थीटा सच में जानने की जरूरत है क्या आज? अगर मैं कहूं कि यार ये लाइन है और ये एफ नॉट है और ये थीटा देना मैं भूल गया, तो मैं कहूंगा जरूरत भी नहीं है मुझे, ठीक है, मेरे पास आंसर वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट चाहिए जो फोर्स के क्या है, अलोंग है, मेरा काम हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने फंसेंगी जहां पे तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा होगा कि यार डेटा इनसफिशिएंट है ना, कि इन्होंने एंगल तो दिया ही नहीं, इन्होंने तो पाथ ही नहीं बताया, इनने तो बस ये बोल दिया कि ए से बी पहुंच गया, इसके बारे में तो इन्होंने कोई चर्चा करी नहीं है। मैं इस फोर्स का वर्क कैसे निकालूं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो बस वही रहता है fs cos थीटा या f वेक्टर डॉट s वेक्टर, लेकिन उसको अगर एक्सपेंड करो और सच में देखो तो एक्चुअली में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोर्स और फोर्स के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए किसी भी कॉन्स्टेंट फोर्स का वर्क कैलकुलेट करने के लिए। क्या क्लियर है भाई? चलिए सवाल करते हैं, देखिएगा ध्यान से। इट इज अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, उस पर एक फोर्स लग रहा है 10 N इधर एट एन एंगल ऑफ 37 degree। इस फोर्स को हमने बोला F1 और बेटा इस फोर्स को बोला अपन ने F2, ठीक है। नॉर्मल और mg तो लग ही रहे होंगे, ठीक है, सरफेस से। ये बॉडी t = 0 पर रेस्ट पे थी, कहां पर थी? रेस्ट पर। देयर आर द टू फोर्सेस 10 N एंड 2 N, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ए पार्ट वर्क डन बाय F1, बी पार्ट वर्क डन बाय F2, सी पार्ट वर्क डन बाय नॉर्मल एंड द डी पार्ट वर्क डन बाय mg। ये चार फोर्सेस का वर्क पूछा जा रहा है, ठीक है, और ये पूछा जा रहा है टाइम इंटरवल क्या दिया है, 2 सेकेंड। मतलब इन 2 सेकेंड्स व्हाट इज द वर्क डन बाय द गिवन फोर्सेस एट t = 0, The given body is at rest. एक बॉडी रेस्ट पर है on a smooth surface, और हमने उस बॉडी के ऊपर इस तरीके से दो फोर्सेस लगाए, नॉर्मल और mg ऑलरेडी लग रहा है, नॉर्मल फ्रॉम द सर्फेस एंड mg ड्यू टू द अर्थ, ठीक है। और आपसे लास्ट पार्ट जो पूछा जा रहा है दैट इज द नेट वर्क डन। बताइए हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना, और डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं है, तो वो डिस्प्लेसमेंट आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा काइनेमेटिक्स का। किसका? काइनेमेटिक्स का। फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 8, एक वर्टिकल कंपोनेंट 6। नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ध्यान से देखो, जमीन से ब्लॉक ऊपर आ जाएगा क्या हवा में? नहीं आ पाएगा। चेक कर लेना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अभी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि देख लो, नॉर्मल की वैल्यू 0 आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना। नॉर्मल प्लस 6 = 20, नॉर्मल की वैल्यू 14 है। वैसे भी ऊपर वाला फोर्स जो है वो उसके mg से क्या है, कम है, तो ब्लॉक कॉन्टेक्ट में तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे लग रहा है 8, पीछे लग रहा है 2,
तो नेट फोर्स कितना है, 6, 6 बटे 2, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 3। अरे यस और नो, एक्सेलरेशन आ गया। कैन आई फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स? तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर, कितना आ गया, 6 मीटर। मैं कह सकता हूं ये बॉडी आगे की तरफ कितना डिस्प्लेस हुई, 6 मीटर। हाँ है ना, मुझे लगता है अब सवाल खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, वर्क डन बाय F1 अगर कैलकुलेट करना है तो इसका वो कंपोनेंट लोगे जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, वो कितना है, 8, 8 इंटू 6। हाँ है ना, तो यहां पे लिखोगे 8 इंटू 6, 48 जूल। अब आते हैं वर्क डन बाय F2। F2 का वर्क आगे लग रहा है पीछे लग रहा है, फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा समझ आ रहा है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 180 है, थीटा की वैल्यू 180 है, कॉस 180 की वैल्यू -1। यस और नो, तो 2 और 6 है, कितना आ गया, 12। व्हाट अबाउट द वर्क डन बाय नॉर्मल, व्हाट अबाउट द वर्क डन बाय MG, 0। व्हाट अबाउट द नेट वर्क डन, नेट वर्क डन में इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज व्हाट, 36 जूल। मुद्दे की बात, फील क्या है, ही इस फोर्स ने सिस्टम को इतनी एनर्जी दी 2 सेकंड में, कितनी, 48। उसमें से इतनी एनर्जी तो ये ले गया जो पीछे खींच रहा था इसको, 12। तो इस ब्लॉक के पास कितनी एनर्जी रह गई, 36। तो जो 36 एनर्जी रह गई वो गई कहां, टू चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तुम देख लो काइनेटिक एनर्जी 36 ही आएगी, तुम कैलकुलेट करके देख लो, हाफ एमवी स्क्वायर, क्या निकाल लो, हाफ एमवी स्क्वायर। एक बार बताओ, अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी बताओ 2 सेकंड बाद, हाफ एम, एम कितना है, 2। अरे यस और नो, इनटू वी स्क्वायर, एक्सेलरेशन 3 आया था 2 सेकंड में, स्पीड कितनी हो गई, 6। आगे जाके पढ़ेंगे इसी का नाम वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी भी सिस्टम के ऊपर जितने भी नेट फोर्सेस ने वर्क किया है, जितने भी नेट फोर्सेस ने वर्क किया है, किसी ने पॉजिटिव, किसी ने नेगेटिव, किसी ने कुछ भी नहीं किया, उन सबका जो भी नेट वर्क डन आएगा ना, दैट इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी मुद्दे की बात यह है, क्या समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर 48 जूल इस F1 ने इसको एनर्जी दी, जिसमें से 12 जूल ले गया, बची कितनी, 36। तो 36 गई कहां, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पहले 0 थी, 2 सेकंड बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 36 होगी। नॉर्मल और एमजी का कंट्रीब्यूशन क्या है, 0। तो नॉर्मल जो सरफेस से नॉर्मल लग रहा है वो यहां पे कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। क्लियर है बात, क्या सॉल्व कर पाओगे? तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स में जनरली इस तरीके के सवाल आपके सामने आ सकते हैं कि रेदर देन टू गिव द डिस्प्लेसमेंट वो आपको इंटरवल बता दे। क्या बता दे, इंटरवल। तो काइनेमेटिक्स का यूज करके पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आगे की चर्चा होगी। यहाँ पे जैसे कि सपोज आपसे सिर्फ यही पार्ट पूछा जाता, नेट वर्क डन, क्या पूछा जाता, सिर्फ नेट वर्क डन पूछा जाता, क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? तो देखो एक तरीका तो ये था कि इंडिविजुअल हर फोर्स का वर्क निकालो, उनका समीक्षण करो, जो कि तुमने अभी किया, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही पूछा था, F1 निकाल दो, F2 निकाल दो, नॉर्मल निकाल दो, MG निकाल दो। तो एक तरीका तो ये है कि इंडिविजुअल जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका वर्क निकालो और बाद में सबका क्या करो, समेशन। आज तो 4 थे, उनमें 4 में से किस्मत अच्छी थी कि 2 का वर्क क्या हो गया, 0, तो समेशन करना आसान हो गया। कल मान लो 10 फोर्स लग रहे हैं और हर किसी का वर्क जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, और आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, ऑब्जेक्टिव का जमाना है कि फाइंड द नेट वर्क डन, फाइंड द नेट वर्क डन। तो एक तो ये है कि उन 10 फोर्सेस का इंडिविजुअली वर्क निकालो और उन सबको क्या करो, समेशन करो। दूसरा तरीका ये है कि यहां पर आप इसी एक्सप्रेशन को देखिएगा ध्यान से, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द नेट वर्क डन, तो आप लिख तो इसी तरीके से रहे ना, नेट वर्क डन हर इंडिविजुअल फोर्स का वर्क, ऐसे ही तो चल रहा है भाई, S is the displacement of a body, ठीक है। तो क्यों ना
यहां पर ये सब एक साथ लिख लो भाई, और डॉट क्या कर दो, डिस्प्लेसमेंट। क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू द नेट वर्क डन। मैं अगर आपसे पूछता इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या है, तुम कहते छह, आठ आगे दो पीछे, नेटवर्क नेट फोर्स क्या है, छह, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, छह, तो छह इंटू छह 36। यस और नो? मतलब रेदर देन कि इंडिविजुअली हर किसी फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द नेट वर्क डन, तो नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके भी लिख दो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फॉर अ गिवन फोर्सेस क्या है, सेम है। क्लियर है बात? बढ़ू आगे बढ़ू? ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स तो मुझे लगता है बहुत ही आसान कहानी है ना, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं। जैसे कि एक और अगला सवाल, इस बार सरफेस रफ है और F1 की वैल्यू 20 और F2 की वैल्यू 4 है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है 0.5, और आपसे बोला जा रहा है फाइंड ए पार्ट वर्क डन बाय F1, बी पार्ट वर्क डन बाय F2, सी पार्ट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, डी पार्ट वर्क डन बाय नॉर्मल, E part work done by mg और F part work done net। जल्दी लिख देना फटाफट in 2 seconds। T बराबर 0 पर ये वही सेम कहानी है, रेस्ट पे था, फोर्सेस लगे, I don't know कि ये मूव करेगा कि नहीं करेगा क्योंकि सरफेस रफ है। अभी क्लास किसकी है इसके बाद? सुबह तो साला ट्रैफिक जाम ही इतना हो जाता है ऐसे लग रहा था पता है कहां दिल्ली विल्ली में बैठे हुए हैं यार। 2 सेकंड बेटा, 2 सेकंड। यहाँ पे किसी की शायद कार भी फंस गई है वहां पे, हाँ किसी की कार फंस गई थी ना, इंसाफ सर की फंसी है क्या? अरे यार आज तो उस चक्कर में कार में भी स्केच आ गया आज तो। अबे वही 2 सेकंड भाई, ये इन 2 सेकंड्स। फ्रिक्शन है चेक कर लेना, जितनी फिजिक्स पढ़ाई है सारी लगानी पड़ेगी, ठीक है, ये फिजिक्स की एक अच्छी बात है, ठीक है, कभी पीछा नहीं छोड़ेगी है ना, चाहे तुम कितना भी साथ छोड़ लेना, ये आती ही रहेगी और तुम्हें याद दिलाती रहेगी। यहाँ सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, एनएलएम, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स, फिर बाद में जो आज पढ़ा रहा हूं वर्क, उसका चलेगा कि नहीं चलेगा? टाइम्स अप, एनी वन ऑफ यू जिसने निकाला हो वर्क, जल्दी जल्दी फटाफट यार, ये तो सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए करा रहा हूँ कि एक दो सवाल करा दूं कांस्टेंट के, नहीं तो मैं तो वेरिएबल लिखने वाला था, फिर तुम कहते कि सवाल नहीं कराया एक भी। देखो भाई फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 16, वर्टिकल कंपोनेंट 12, नीचे mg, अरे यस नो, ऊपर नॉर्मल,
किसी को कोई समस्या? तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी। नॉर्मल प्लस 12 बराबर 20, नॉर्मल की वैल्यू 8, यस और नो? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू एस इंटू 8 कितनी? 4। पहले चेक कर लो चलेगा कि नहीं चलेगा। 16 आगे पीछे 4, ये फ्रिक्शन 4, 8 चलेगा भाई। समझ में आ रहा है? चेक कर लो भाई, यहाँ पे गलती मत कर देना। कुछ लोग नॉर्मल 20 लगा देते हैं, नॉर्मल 20 नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा? 4। मुझे लगता है एक्सलेशन आ चुका है, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बटे मास कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैन वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? हाफ ए इंटू टी स्क्वायर कितना आ गया? 8 मीटर। ये काइनेमेटिक्स और एनएलएम खत्म हो गया, प्लस फ्रिक्शन। अब आते हैं सवाल पर। अब मुझे लगता है कि बस लिखते चले जाए। एफ वन का कौन सा कंपोनेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? 16, तो 16 इंटू 8 कितना हुआ? 128। एफ टू पीछे लग रहा है, इसका वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। 4 इंटू 8 माइनस 32, यस और नो? फ्रिक्शन माइनस 4 इंटू 8 कितना? माइनस 32, हाँ या ना? नॉर्मल 0, एमजी 0। एड कर गया कितना आ गया? 64। नेट वर्क डन की अगर बात करूं, किसकी बात करूं? नेट वर्क डन की, तो इतना आया। इसने एनर्जी दी, उसमें दो ऐसे भी बैठे हुए थे जो इंतजार कर रहे थे, एनर्जी आई, ये एनर्जी ले गए। तो देखो यहां फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव आने का मतलब क्या है? अब सरफेस वर्क कर रही है, सरफेस वर्क कर रही है क्योंकि सरफेस रफ है अभी, और यहाँ पर स्लिपिंग हो रही है, तो सरफेस वर्क कर रही है। लेकिन सरफेस का वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। इसका मतलब सरफेस एनर्जी दे रही है, ले रही है? ले रही है। यहाँ पर ये भाई साहब एफ वन मेहनत करके 128 जूल एनर्जी 2 सेकंड में दिए, जिसमें से सरफेस ने 32 ले ली, और पीछे एक एफ टू और लग रहा था वो भी 32 ले गया, तो मिली कितनी टोटल? 64। और ये जो 64 मिली है इन फिजिक्स, ये पूरी की पूरी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अपन कह सकते हैं जो भी नेट वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? अगला सवाल भाई, सवाल ले रहे चल पे आते ही रहते नाले। एडबुट मशीन वर्कडन निकालना है टी बराबर 0 से टी बराबर 2 सेकंड। रेस्ट से रिलीज किया है, कहां से रिलीज किया है? रेस्ट से। चलिए थैंक यू सो मच। चिल करो यार, कितना उम्बक करोगे यार तुम लोग। जे एडवांस कंप्लीट, पांच ही है क्या? ठीक है, जे एडवांस कंप्लीट भाई। ठीक, ये लोग बताएंगे यार, मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, मुझे जो बोला जाएगा वो करो। अच्छा इसमें निकालना क्या है ये तो बताया ही नहीं। इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक ए एंड बी, ब्लॉक ए पर कितना होगा? ये ब्लॉक ए है और ये क्या है आपका ब्लॉक बी, इस पर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, और साथ ही साथ वर्क डन बाय टेंशन फोर्स निकालना है ए और बी पर, कि टेंशन फोर्स का वर्क ए और बी पर कितना होगा। बस ये भी होता है क्या?